हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हूँ प्रीति एन पी यू और ये हैं मेरे महादेव। ये ड्यूटी से आ चुके हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं, अब हम लोग की सोने की तैयारी हो रही है। तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं और कुछ बातें करो, अपने बारे में आज बातें करो, कुछ बताओ। ये देखिए मच्छर मारने वाला तेल है। मेरा बच्चा इधर बोला पहले। ये जो है मच्छर, मेरा बच्चा पहले बोला टुक टुक बुलाओ, इधर आओ टुक टुक। तुम्हें कह रहे हैं वो बाबा के पास गए तो पता है, इससे इसको लगाने से मच्छर नहीं लगते, आँख में नहीं लगाना लेकिन हाथ पैर में लगाना। मेरा बच्चा देख रहे हो, इतने बड़े से हमने लेबर मजदूरी खेतों में सब काम किया, खाली इसके लिए किया अपनी खाली बहनों के लिए। आज मेरी बहनों में कुछ या भाइयों में ऐसा बोला गया, बड़ा दुख लगा अपने आप में। इस उम्र में किया है, देखो ये जितना बड़ा मेरा बच्चा है, पढ़ने लिखने वाली उम्र, खेलने कूदने वाली उम्र में, पढ़ने जाना चाहिए था उस उम्र में, मैंने काम किया था, मतलब पढ़ना भी खेलना कूदना। पापा के साथ मंडी जाते थे, यही सब करते थे, बहुत मतलब हार्ड वर्क किया है अपनी फैमिली के लिए, बस अपनों को वही अपने अपना तो पेट, तब तो समझ भी नहीं थी कि अपना पेट है सबकी। जब मैं कब सब करके लाते थे तभी घर वाले खाना खाते थे, तो अपना तो पेट पालते ही पालते थे और साथ में चार पेट, चार नहीं पाँच छः, अरे मतलब मेरे कहने के हिसाब से हो गया है ना, खाली तीन हम हो गए, माँ बाप हम, जबकि ये सबसे छोटे हैं, चार बहने हैं। बताओ ये सबसे छोटे हैं, तेरहवें नंबर में सबसे छोटे, और सबसे बड़े थे, बड़े हैं अभी भी, थे नहीं हैं, लेकिन अब से तुम आके बराबर, अब तो उनकी गिनती नहीं है। उधर जाओ बेटा, उधर जाइए, उधर जाइए, उनकी कोई गिनती नहीं है। प्रॉपर्टी घर के हिस्से की जब भी बात होती है ना, तो कभी कहीं से उठती है तो कहीं से उठती है, तो अब की तो छोटे का ही हक मान लिया गया, देने नहीं चाहते, मेरे पास होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं। मतलब आप समझ लीजिए, जब से मेरी शादी हुई जब से बस हम ये सुन रहे हैं, आज देंगे कल देंगे फरवरी में देंगे मार्च में देंगे, बस बातें देंगे देंगे, देंगे। और उनकी समस्या उनकी समस्या, तो आप गैस समझ सकते हैं कि हम लोग किराए पे रहते हैं, प्लस गैस हम लोग हमारे बच्चे अभी दो साल से तो कोरोना वाला सिस्टम चला, बड़ा वाला तो पढ़ता था, छोटा वाला तो अब बड़ा होगा, उसकी भी पढ़ाई की ज़रूरत है, दोनों को पढ़ाई की ज़रूरत है, बल्कि एक ही नहीं। तो जो हमारे पास हमारा जो रहने का मेन जगह ही नहीं है हमारे पास, और आज भी आपको बता दें हमारे पापा की नौकरी भी, चलो उनकी नौकरी करना ना करना है बराबर है, हाथ पर चलाने के लिए करना होता है, बाकी आजकल तो लोग नौकरी भी करवाते तो भी रोटी नहीं मिलता है, लेकिन लोगों ने तो इतनी इतनी बातें बोल दी, तो मेरे बाप का खाया है जैसे, हाँ, लग रहा है हमने तो हम करते हैं तो उनके हाथ पैर भी चल रहे हैं, और हम इतने अगर होता तो शायद वो हाथ पैर चलाने के लिए तो उनको ऐसे साइड पे भेजते, लेकिन अभी है नहीं हमारे पास ना, तो बातें लोगों ने इतनी बातें कर ली, वाकई नौकरी कराने का हम लोग कोई मकसद नहीं है और ना चाहते हैं, काफ़ी हैं हम लोग, काफ़ी हैं और चाहते हैं कि वो नौकरी ना करें, वो खुद चाहते हैं कि मेरे हाथ पर चले, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं घर में बैठ जाऊँगा तो जो मैं पाँच साल जीने वाला हूँ, तो मैं एक साल में जाना तो सभी को, लेकिन उस तरह से बात करते हैं, और ये बात सही भी है, जिसके हाथ पैर चलते रहे वही चलता रहेगा, नहीं घर में रहते तो पापा कहीं जाते भी नहीं, वो लेटे रहते हैं और सोचते रहते हैं, तो माइंड भी खाली थोड़ा वैसा होता है, और घर की कुछ घर लोगों ने ऐसे गद्दारी करी है कि बिल्कुल ही, दो लोगों ने तीसरे का हिस्सा मार लिया, भूल गए कि तीसरा है कि नहीं है, हाँ कि बस वही है, उन्होंने डायरेक्ट हिस्सा मांगने पे पता है क्या कहा, बता पा मुझे, अरे हमने कब कहा था तुमसे एक डेढ़ दो लाख देंगे, नहीं नहीं
हिस्सा मांगा गया चल रहा है कि हिस्सा कैसा हिस्सा, और तुम तो बाप की कमाई खा रहे हम बाप की कमाई खा रहे उसी में बराबर हो गए। किसी का हिस्सा इन लोगों ने कमाई बाप की नहीं खाई है। सामने वाला इंसान जब आपसे अपना ही पैसा हम लोग अपना हिस्सा अपना ही पैसा मांग रहे हैं तो ये जवाब मिल रहा है। अब उनकी ये नहीं कह पा रहे कि मेरी हैसियत ही नहीं हो। और आपको गाइस बता दें फैमिली, अब हमारी फैमिली है, पर्सनल बातें करते नहीं हैं, लेकिन ये है कि जब हम सुख की बातें करते तो दुख भी आप ही से शेयर करेंगे, तो ठीक है। तो गांव एरिया है, गांव के एरिया के हिसाब से इन्होंने हमारी ज़मीन का मतलब जबान की कोई पक्की नहीं, हम लोगों ने कोई लिखा पढ़ी नहीं करी कि हाँ जो दे दिया जाएगा खुशी खुशी वो ले लेंगे, आज तक तो दिया ही नहीं। तो मतलब बड़े उससे कहा था, मैं सबके सामने कहा था मेरे छोटो भाई है, जब आधी रात के 12 बजे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक बार कह रहा था, लोग बेफिक्र होगा भाई बंदा इतने शोर से कह रहे हैं तो होगा भाई, क्योंकि हमें पता है हमारा पैसा उनके पास रखा हुआ, हम कहेंगे हमारी कलोनी आई तो मुकर गए, हमारे पास अभी नहीं, हमारे लड़का की शादी, हमारी बीबी बीमार है तो हमारा हो गया, चलो अब हमारी दिक्कत इतनी बड़ी हमारे यहाँ आ गई है। तो कहा गया तो कहते हैं कि हमने 2 खंड का मकान बनवाया है 15 लाख का, मतलब ऐसे कह दिया कि 15 लाख, 15 लाख तो कुछ होता ही नहीं है, शहर में 15 लाख में अच्छे अच्छे मकान मिल जाएंगे आपको, मकान दिखाते हैं ना, तो मकान में पलस्तर है और गांव के हिसाब से 15 लाख में मकान मिलता है। इन्होंने सरकारी जो पैसा नहीं होता है वो जगह दिखाते, क्या होते लोगों जगह दिखाते, वो 2-2.5 लाख रुपए सरकारी मिलता था, इन लोगों ने जगह दिखाते अपना 2-2.5 लाख सरकारी कलोनी का पैसा लेके इन लोगों ने बनवाया, बता दी 15 लाख ए भाई 15 लाख में जीरो नहीं पता होगा, 15 लाख लगते हैं कितने लगते हैं बात है, लेकिन आती है सबको, लेकिन आजकल यही रूल चल रहा है भाई, कोई छोटे का हिस्सा मार रहा तो कोई बड़े का हिस्सा मार रहा, लेकिन गलत चीज़ है, इससे क्या होगा, और परेशान भी है, भगवान का इशारा नहीं समझ में आ रहा, कहते हैं मेरे 2 किलो खून निकल गया, अब बताइए 2-3 किलो 4 से 5 लीटर हमारी पूरी बॉडी में खून रहता है, उसमें चार्ज भी नहीं रहता, चार्ज भी होता है उसमें भी कम होता है तो 300 ग्राम 400 ग्राम कम हो गया तो आदमी के चक्कर आ गए, डॉक्टर बढ़ता है, डॉक्टर 100 ग्राम निकल जाता आदमी के ना, डॉक्टर क्या बोलने लगे, खून कमी है, कमी है 100 ग्राम तो निकल, बड़ी बोतल 2 बोतल जो होती है, अगर 1 बोतल है तो 3-3 ढाई 1.5-2 बाल्टी गिर गया उनके, हाँ लोटा वो किलो गिर गया किलो, तब भी बिल्कुल फिट है, मतलब 15 लाख का मकान बनाया 2 लोटा के तो वो 2-3 किलो खून गिर गया बिल्कुल फिट भी, मतलब ऐसे लगेगा कि हम लोग तो बिल्कुल यहाँ से थोड़े ढीले हैं, हाँ कि ये नहीं सोचते हम जो बता देंगे अभी भी पढ़ा देंगे, पढ़ नहीं हमारा ये हो गया, हमने कहना मैं और दुनिया की बात है, मतलब पैसा नहीं देना है, अम्मा में हमने इतना लगाया, इनकी बेटियों में अम्मा तो इनकी थी नहीं, बहन की थी नहीं, और जब फिर बारी आई तो बाद में मतलब कितनी भी बाप भी नहीं, फिर अभी तो मैं बाप भी नहीं इनके, थोड़ी देर बाद कह रहे अरे कहा है हम पैसा जब ले जाओगे, लेकिन पैसा हम कहाँ से दें, तो तुम्हारे मेरे बाप की कमाई नहीं खा रहे हो, एक समय में बाप भी इनके नहीं अम्मा भी इनके नहीं, हम बाप भी इनके हो गए कमाई खा रहे, तो भाई कमाई खा रहे हैं ना तो करता करा है और करते हैं तो कमाई खा रहे हैं, अगर आपके नॉलेज में ये वीडियो है ना तो ध्यान से सुन लेना। और भाई हिस्सा मांगने की बात, तो हिस्सा तो आपके आप भी दोगे हंसते हंसते दोगे यहाँ पर आप, और ये जवान है इनकी भी है और मेरी याद रखना, मुंह पे भी कान पे भी हमने कहा था, फोन पे भी ये सामने से कह रहे हैं, बस समय है, समय तुम्हारा आज है ना, समय कल हमारा आएगा, जितना करना है जितना करना है, अभी तो वो वीडियो बना था ना, ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचे तो ध्यान से सुनिए ना, सिर्फ आपको कह रहे डायरेक्ट कह रहे हैं आपको, तो बोलो तुम बोलो, आपके बच्चों का 5-4 बच्चे जो भी हैं सबका हिस्सा ना, हमारा भी हिस्सा है, आपको अपना हिस्सा चाहिए तो अपने हिस्से में बनवाते, हमारा हिस्सा छोड़ देते, किसने आपसे परमिशन नहीं दी, झूठ गांव में फैला दिया कि मैंने सुमित से पूछ लिया तो वाने से बनवा लिया फट से, ये चलाती करी ना, वो ऊपर वाला देख रहा है उसकी आवाज़ उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती आपका, वो तो हम तो लेंगे, हम हिस्सा नहीं छोड़ने वाले आपका, मेरा एक ऊपर भी पड़ा तो नहीं छोड़ेंगे, दूसरे का 1 लाख पड़ा होगा तो छुएंगे नहीं, मेरा हिस्सा है तो वो आप नहीं ले सकते,
चाहे आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद देना आज के देने आओगे, लेने नहीं आएंगे हम, आप देने आओगे, याद रखना इस बात को। और जो आप कल किसी समय पे आप अपने आप को कुछ समझते थे या आज समझ लो ना, उस समय का समय था, अब हल्के में मत लीजिएगा, सामने वाला भी आपसे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, फिर तो आप कहेंगे उसने तो बंदूक चलाने के लिए बोल दिया था, हमको बोला था ना वो तो कह रहे थे बंदूक चला देंगे, बंदूक नहीं चलाई जाती, मुँह से नहीं झूठ नहीं बोला जाता, सच बोलो। जवान की ना वैल्यू रखी जाती है, जवान जिसके पास होती है वो रखता है वैल्यू, जवान तो है ही नहीं। बंदा खड़ा कौन है पता है, जवान का खानदान के एक ही हो लेकिन पांचों उंगली कहते ना, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, वो बात तो सही है। बंदा यही खड़ा है आपके घर में, जो चले गए वो होता तो आप जो 3-4 लोगों का हिस्सा कपच के बैठे ना, वो तभी गई है, जो चली गई ना आपकी तभी गई है। बस अगर आपके पास वीडियो पहुँचता है तो प्यार से आ जाइए, सामने से दे जाइए, नहीं तो खेल बराबर फिर ले लीजिएगा अच्छे वाले, क्यों कुछ बोलो, नहीं तो ये मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सब, कहेंगे बहुत बोलती है भाई, तो मेरे ऊपर सबका ताव रही क्या चढ़ जाएंगे, एक को मार मार के खा गए तो उसका भी हिस्सा सोच रहे हैं लपेट में। हाँ ये सोच रहे हैं कि इनको भी ऐसा मतलब कर दें तो ये भी दो लोग, पर दो ही लोग लपेटे तीसरा तो हिस्सा ना लगे, दो ही लोग आराम से रहे हैं काफी आराम से रहे। अभी तीसरा हिस्सा बाप का लगाते हैं चौथा तो उसमें हिस्सा ही नहीं बचा फिर भाई, इनकी परेशानी इनकी होती है। आप लोग बुरा नहीं मानना, जिसके लिए ये वीडियो बना रहे ना ये बात उनको समझ में आ रही होगी, सामने से भी करती और बाकी ये दुनिया के सामने रखती, इसका मतलब ये नहीं कि डर रहे हैं वीडियो बना रहे डर वर नहीं रहे, ये तो मेरा सामने ही है ना, फ्रंट पे ही कह रहे हैं, तो देखते हैं ना पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं, चुपली फुपली वाला काम ही नहीं करते, वो देखते हैं तुमको कह रहे हैं। आप लोग फैमिली बुरा नहीं मानना, ये हमारी पर्सनल घर की बात है, लेकिन पर्सनल नहीं रही है हम ना, अब बाहर आ गए तो आप फैमिली हमारी, तो आपसे जाहिर करना बनता था, बाकी वो देखते हैं इसीलिए। शर्म करो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको इतनी शर्म नहीं आई किसी का हक मार रहे हो, हक मार रहे हो दूसरी की, मतलब आपकी परेशानी हम सड़क पे भी चले जाएं, हमसे मतलब नहीं, आपने डायरेक्ट ये बोल दिया, एक बार भी नहीं पूछा कि सामने वाला कैसे घर चलाएगा, एक बार तो पूछना चाहिए ना। मेरा छोटो भाई है, आपने बड़े का फर्ज निभाया, छोटे ने तो बहुत बड़े का भी फर्ज निभा दिया, तुमने निभा सकते बताओ, एक माँ खत्म हो गई तो माँ के मरने के बाद भी तुम कह रहे हो 40,000 खर्चा कर दिया, अरे माँ के लिए तुम जिंदगी खत्म कर दो तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो भी नालच है, माँ के बराबर तो 40,000 कुछ नहीं है, अब तुम कह रहे हो तो ये माँ का ही भगवान, माँ से तो ना कम से कम बदुआ लो, माँ के पीछे से मरी हो माँ के लिए तुम बोल रहे हो, शर्म नहीं आती बहनों के लिए, कन्या को लोग पराई कन्या को दान में देते हैं अपनी बहन के लेकर के कह रहे हो, बड़ा जब जीत लिया मैंने बहन को इतना दिया इतना कर दिया ये पढ़े हो कहा तो करा और कह दिया तो क्या फायदा आपको करना नीच वाले काम, और हमने तो कभी नहीं कहा, हमने भी तो आपके यहाँ बहुत सारा किया है पता है, हमारे आपके बड़ी बेटी की शादी हुई थी बता दें 30,000 रुपया आदमी ने खर्चा करके आया दोनों में, मानेंगे मानोगे 40 करते 40 बता रहे, तुमने अम्मा की बात बता रहे हम बता रहे, और अभी तुम्हें छोटी बेटी शादी थी 20,000 हमने खर्चा किया और बताओ मानोगे नहीं मानोगे ना। आपका सबूत है, जैसे आपके पास सबूत नहीं है मेरे पास भी नहीं, लेकिन हाँ हम तो जानते हैं हमने किया, भगवान से डरिए बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, आप भी हमारे हो हम भी आप ही के हैं, लेकिन वही ना जहाँ उल्टा होता है तो फिर अपना अपना नहीं देखा जाता है, सत्य की लड़ाई में अपने भी कितने मर जाते हैं, ये तो योगो योगो से हुआ है, तो गाइस आप पूरा नहीं मानना, हम लोग ये उन्हीं के लिए है, मेरे ने इनकी फैमिली से, इनकी फैमिली को हमारी फैमिली, और आप हमारी फैमिली, तो आपसे बता रहे हैं और ये सामने से फ्रंट पे ही बात बोल दो तो पापा
तुम्हारी घंटी बजाने आएंगे। हाँ लो बड़े पापा बोल दो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बड़े पापा आप हो गए। अपने अपने बच्चों को देखा इन बच्चों को सबसे छोटा है बता तो बड़े पापा घंटा बजाने आएंगे समझ लीजिए इसलिए कह रहे हैं शांति जो तूफान अभी ढल गया ना उसके पहले की आने वाले तूफान की शांति है बस इतना समझ लीजिए आज नहीं तो 10 साल बाद याद रखिएगा चलते हैं दुआओं में याद रखना मिलेंगे कल किसी टॉपिक पर गाइस आप लोग बुरा नहीं मानना आप लोग उनकी फैमिली जैसे हम अपनी फैमिली की बात करते हैं वैसे उनकी फैमिली की और ये बात यही था ये मकसद कि वो लोग देखते हैं वहाँ तक पहुँचना है बातें क्योंकि जब लड़ाई होती है ना सामने वाला ऐसे ऐसे बोल देता है कि सुनता नहीं ना अब ऐसे तो समझ में आएगा कि हम लोग के मन में क्या है डायरेक्ट ऑन द स्पॉट था जो कहा है ऑन द स्पॉट और कुछ आगे के लिए होता जाएगा आपके सामने वो बातें लाएगा अगर मेरे सामने से हमको हिस्सा मिल गया वो भी हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है अगर वो लोग क्या कर रहे वो भी आपको बताएंगे अब बातें शुरू करिए जरूर बताएंगे कल नया टॉपिक बताएंगे जो पापा ने बताया लंबी बातें बहुत सारी लंबी बातें हैं लेकिन बताएंगे अब छिड़ गया तो बताएंगे बाय फैमिली गुड नाइट मिलते हैं आपसे कल बाय आपका टाइम वेस्ट कर घंटा घंटा बाय फैमिली।